नमस्ते दोस्तों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूके देसी मुर्गी लवर में। तो दोस्तों, आज आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो मेरे इन चिक्सों को। मेरे इस फार्म में कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप ग्रोथ देख सकते हैं और फ्री रेंज एरिया में दोस्तों मैं इनको कम से कम 3 टाइम तो मैं छोड़ता ही हूँ। चाहे मैं आधा घंटा छोड़ूं, चाहे 1 घंटा छोड़ूं, तो दोस्तों मैं मतलब डेली का मेरा जो रूटीन है कि सुबह जाऊंगा तो फ्री इनको छोड़ूंगा, और दिन में भी जाऊंगा तो फ्री रेंज में छोड़ूंगा, और शाम को भी जाऊंगा तो 3 टाइम मैं इनको बाहर फ्री रेंज एरिया में छोड़ता हूं। तो दोस्तों, ये मेरे जो चिक्स हैं ये मेरे कुड़ुक मुर्गी ने निकाले थे। कम से कम उसने 14 बच्चे निकाले थे। 14 बच्चों में से दोस्तों 6 की मॉर्टेलिटी हो चुकी थी, कहीं की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई तो, और कहीं बीमार हो गए थे बीच में। तो दोस्तों, बाद में मैं दवाई लाया था मार्केट से और मैंने इन्हें दवाई दी, और दवाई देने के बाद दोस्तों आज ये प्रॉपर सही हो चुके हैं। अब ना ही मैं इन्हें दवाई दे रहा हूँ। और ये है दोस्तों कि भाई जो भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है या करना चाहता है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि बीच बीच में लीवर टॉनिक ज़रूर दिया करें, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1-2 बार। इस तरीके से आप लीवर टॉनिक मुर्गियों को ज़रूर दिया करो, जिससे कि उनका डेली का जो खाने का रूटीन है वो सही बना रहे और उनकी जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छी रहे। तो लीवर टॉनिक से सबसे पहली बात तो जो उनकी वीट होती है, यानी कि वीट उनकी पतली ना हो, तो लीवर टॉनिक से उनका लीवर जब सही रहेगा तो वीट भी सही होगा, और पतला वीट नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो बना रखी है तो मैंने इन्हीं मुर्गियों के लिए बना रखी है, ये छोटे बच्चों के लिए बना रखी है। तो आप वीडियो पे पूरा रहिए। तो दोस्तों, जो भी भाई मेरे चैनल पे नया आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलना दोस्तों, जिससे कि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो बड़ा अच्छा लगता है, आगे जाके मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। शायद मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी कमी है कि मैं आपको उतना नॉलेज नहीं दे पाता, क्योंकि दोस्तों मैं भी हर दिन एक नई नॉलेज लेके आपके सामने आता हूँ। छोटी मोटी जानकारियाँ जो होती हैं दोस्तों, मैं उन्हें आपको देता हूँ। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर हम 1000 मुर्गी से स्टार्ट करें अपने फार्म को, कि भाई 1000 मुर्गी पालने के बाद हम अपने फार्म को शुरू करें, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1000 मुर्गी के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और बड़ा फार्म भी चाहिए, तो कम से कम आपको काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी एक नए फार्म को बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप अगर पहले मुर्गियों का ज्ञान लेना चाहते हो तो छोटी छोटी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, यानी कि 20 मुर्गी से स्टार्ट करो या 10 मुर्गी से स्टार्ट करो। अपना स्टार्टअप छोटे से करोगे तो आगे जाके आपको ज्ञान होगा कि हाँ, इन्होंने कितना फीड खाया है एक दिन में, कितनी इनकी ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, वीडियो हो सकता है मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो आप देख नहीं पाते हो उस टाइप का। तो दोस्तों, बस आप करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, सुबह के बजे हैं अभी 7 और डेली की तरह मैं अपने फार्म पे आ गया हूँ, और आज मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको अपने पोल्ट्री फार्म में जो कुड़ुक मुर्गी के बच्चे थे, तो आज मैं दिखाऊंगा उन्हें कि उनकी ग्रोथ किस तरीके से हुई है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो वीडियो के माध्यम से कि जो मेरे कुड़ुक मुर्गी के बच्चे थे आज वो कितने स्वस्थ और कितने बढ़िया हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात कि फ्री रेंज एरिया में मैं इन्हें 3 टाइम ज़रूर छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। अगर छोटे में इनको जैसा मैं सिखाऊंगा वैसे ही ये चलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूँ आपको सबसे बड़ी बात कि मैंने इनको अभी तक बाज़ार का कोई सा भी फीड नहीं दिया है, और ये घर के फीड में ही इतने बड़े हुए हैं और घर के फीड में ही पले बड़े हुए हैं दोस्तों। और मैं जब भी सुबह आता हूं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जब भी मैं सुबह आता हूं तो मैं ज़रूर जो रात की रोटी बची होती है या कोई वेस्टेज बचा होता है तो मैं ज़रूर इनको खिलाता हूं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इनका खान पीन भी सही रहता है। अब मैं इनको जैसे दाना दे दूँगा, अभी थोड़ी देर में दाना दे के उसके बाद दोस्तों मैं इनको छोड़ दूँगा, उसके बाद ये अपना हरे घास पे छुपती रहेंगी या मिट्टी पत्थर मिट्टी में खेलना
इस तरीके से ये करते रहेंगे तो कम से कम सुबह मुझे कम से कम एक घंटा अपने फार्म पे हो जाता है, क्योंकि एक घंटे तक तो मैं फ्री रेंज एरिया में इनको छोड़ता ही छोड़ता हूँ। कम से कम पूरे दिन भर में 3 घंटे ज़रूर अपनी मुर्गियों को फ्री रेंज एरिया में चुगाता हूँ। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जब भी मैं फ्री रेंज में छोड़ूंगा तो उतनी ही इन पे बीमारियाँ नहीं आती हैं, और जब बीमारियाँ मुर्गियों पे नहीं आएंगी तो आपका दवाइयों पे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात वैक्सीन में अभी तक जितने भी मेरे कुड़ुक मुर्गी के बच्चे हुए हैं तो शायद मैंने अभी तक कोई भी वैक्सीन इन्हें नहीं किया है। और लीवर टॉनिक ज़रूर देता हूँ दोस्तों, मैं लीवर टॉनिक हो गया या महीने भर में एक बार चूने का पानी ज़रूर देता हूँ, और क्वांटिटी के हिसाब से देता हूँ। अगर 8 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से देता हूँ। जैसे अगर 20 बच्चे हैं तो चुटकी भर चूना रात भर मैंने पानी में भिगो दिया, और सुबह मैं अपने फार्म पे मतलब वो पूरी रात भीगेगा, सुबह जब फार्म पे जाऊँगा तो कम से कम 1 लीटर पानी में मैं जो मैंने चूने का पानी बनाया होता है वो रख देता हूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों आप ये फ्री रेंज एरिया में किस तरीके से उग रहे हैं। तो दोस्तों भाई जो भी भाई अगर जैसे पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उसे प्योर देसी ब्रीड मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्योर देसी ब्रीड है वो दाने पे ज़्यादा नहीं रहती, वो फ्री रेंज एरिया में ज़्यादा चुगेगी, इधर उधर जाएगी। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल मैं यही सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं पूरा एक तार की बाड़ कर दूँ, और मैं दिखाऊँगा अगली वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए कि जो तार की बाड़ है पूरी साइड से मैं जालियाँ लगा दूँ। जालियाँ लगाने के बाद उसके बाद जब मैं जालियाँ लगा दूँगा तो उसके बाद मैं इन्हें पूरे दिन भर भी खुला छोड़ सकता हूँ, तब मुझे कोई डर नहीं है। अभी जंगली जानवर का डर होता है। तो दोस्तों आप मुझे फेसबुक पे भी